सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ फिर से एक डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन टू 160cc बाइक्स। तो एक बाइक जो है वो एकदम लेजेंडरी और एक जो है वो एकदम बीस्ट है। तो दोनों ही बाइक्स का जो फैन बेस है वो काफ़ी बड़ा है। अगर मैं बात करूँ तो जी हाँ, मैं और कोई बाइक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ दी अपाची RTR 162V एंड यामाहा की MT-15 वर्जन 2.0। तो दोनों ही बाइक जो है वो 160cc की बहुत ही बेहतरीन बाइक्स है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में कंपेयर करूँगा दोनों बाइक्स को और बताऊँगा कि कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर बात करें प्राइस की, तो यहाँ पे अपाची RTR 162V जो लेटेस्ट मॉडल आई है उसका प्राइस जो है वो लगभग 1,50,000 ऑन रोड वाराणसी पड़ जाता है। वहीं पे यामाहा की MT-15 वर्जन 2.0 करीब करीब 1,98,000 ऑन रोड वाराणसी में पड़ जाता है। तो प्राइस जो है वो वैरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ और स्टेट्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ही एक मेजर डिफरेंस है प्राइस में, करीब करीब आपको 45 से लेकर 50,000 का प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है। वहीं तो चलिए आप सबसे पहले दोनों बाइक्स जो एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए। एग्जॉस्ट नोट सुन सकते हैं गाइस, ये देखिए भाई इसका एग्जॉस्ट नोट मतलब क्या ही कहा जाए। आज भी 160cc सेगमेंट में भाई ऐसा एग्जॉस्ट नोट मुझे किसी का नहीं लगता है, एकदम देसी। गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन से। तो अगर मैं बात करूं तो अपाची RTR 162V की, तो यहां पे फ्रंट में आप देख सकते हैं आपको LED DRS देखने को मिल जाते हैं, और जो लेटेस्ट एकदम मॉडल है उसमें अब आपको जो है वो LED हेडलाइट्स देखने को मिलती हैं। जी हां, अब हैलोजन से अपडेट करके इसे LED कर दिया गया है। तो और इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं इसमें, हालांकि अभी भी हैलोजन ही आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं नीचे आते हैं तो नीचे में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, और फिर उसके नीचे आते हैं तो फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिल जाता है। और फ्रंट डिस्क की साइज़ जो है वो 270mm की है, और ये बाइक जो है वो सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। और गाइस अगर फ्रंट टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 90x90 का फ्रंट में टायर देखने को मिल जाता है TVS के। तो चलिए वहीं आते हैं यामाहा के MT-15 वर्जन 2.0 में। तो यहाँ में फ्रंट में आप देख सकते हैं LED TRS आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे LED आपको प्रोजेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो प्रोजेक्टर्स का जो लाइट का थ्रो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है नॉर्मल LEDs के मुकाबले। तो यहाँ पर आपको नाइट में जो वो है ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी आपको MT-15 प्रोवाइड करेगी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इसका देख रहे ट्रांसफार्मर का लुक जो आता है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो वहीं नीचे आते हैं तो जी हाँ, वर्जन 2.0 में अब इसमें भी आपको अब UHD सस्पेंशन मिल जाते हैं। तो इसमें जो है वो पहले आपको टेलीस्कोपिक मिलते थे, तो वर्जन 2 में इसको अपग्रेड करके जो है वो UHD फोक्स कर दिया गया है, अपसाइड डाउन फोक्स। तो हाई स्पीड में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। और फिर उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिल जाता है, और डिस्क की साइज़ की मैं बात करूं तो 282mm का आपको इसमें फ्रंट डिस्क देखने को मिल जाता है। और गाइस अगर फ्रंट टायर प्रोफाइल देखा जाए तो यहां पे आपको 100x80 का टायर साइज़ देखने को मिल जाता है, 17 इंचेस के आपको अलॉय साइज़ देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो गाइस चलिए अब आते हैं टैंक की तरफ। तो यहाँ पर आपको RTR 160 में आपको 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। वहीं पर यामाहा की MT-15 में आपको सिर्फ 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। और गाइस अगर दोनों बाइक्स की मैं अगर माइलेज की बात करूं तो यहाँ पे RTR 160 जो है वो आपको 30-40 KMPL का माइलेज जो है वो दे देती है, और यामाहा की MT-15 जो है वो 35-45 तक की जो है किलोमीटर पर लीटर की आपको एवरेज दे देती है। तो MT-15 जो है वो माइलेज भी थोड़ा सा ज़्यादा बेटर देती है अगर मैं कंपेयर करता हूँ RTR 160 से। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो गैस अगर चलते हैं मीटर की तरफ, तो
RTR 160 में आप देख सकते हैं, पहले जो है वो सेमी डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है वो अपडेट करके इसको फुल्ली डिजिटल मीटर कर दिया गया है। हालांकि मुझे जो है वो पर्सनली सेमी डिजिटल मीटर ज़्यादा पसंद आता था। आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपको कौन सा मीटर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मीटर की अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पर मोस्टली आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देता है, जैसे कि आप फ्यूल इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, RPM, रेंज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, टॉप स्पीड रिकॉर्डर और मोस्ट टाइम, आपको मतलब सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वहीं पे आते हैं अगर मीटर में यामाहा MT-15 की तरफ, तो यहाँ पे आपको जो है फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है और इसका मीटर भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पे भी आपको मोस्टली सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जैसे RPM, रेंज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी। यहाँ पे आप रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हैं, तो यहाँ भी आपको जो है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको दोनों ही बाइक्स में मिल जाती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कॉल या SMS का नोटिफिकेशन आपको दोनों के ही मीटर में शो कर देगा। अगर बात करते हैं इंजन की, जो सबसे मेन चीज़ है, तो यहाँ पे RTR 162V में जो है वो आपको 159cc का 5-speed गियरबॉक्स का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve का इंजन मिलता है। और यहाँ पे आपको सिर्फ एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है जो पावर प्रोड्यूस करता है। पहले जो ये पावर प्रोड्यूस करती थी वो करीब 15.3 PS की प्रोड्यूस करती थी, अब जो ये अपडेट करके है थोड़ा सा पॉइंट कुछ पावर बढ़ा दिया है, तो ये अब 16 PS की पावर प्रोड्यूस करती है। हालांकि टॉर्क जो है वो अभी भी ये सेम ही जनरेट करती है, 13.9 Nm का ये टॉर्क जनरेट करती है। गैस अगर इसके कर्व वेट की बात की जाए, तो पहले जो है ये 139 किलो कर्व वेट के साथ आती थी, अब जो है 2 किलो कम कर दिया गया, तो आप लगभग कह सकते हैं कि ये 137 किलो कर्व वेट के साथ आती है। तो 160cc के हिसाब से देखा जाए तो पावर टू वेट रेशियो इसका भी काफ़ी सही है। लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं यहाँ की MT-15 की, तो यहाँ पर आपको 155cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो 6-speed गियरबॉक्स के साथ आता है। और अगर इसकी पावर की बात की जाए, तो यहाँ पे 18.4 PS की ये पावर जनरेट करता है 10,000 RPM पे, एंड ये टॉर्क जनरेट करता है 14.1 Nm के 7,500 RPM पे। और वैसे अगर इसकी कर्व वेट देखी जाए, तो ये सिर्फ 139 किलो कर्व वेट के साथ आती है, तो पावर टू वेट रेशियो मतलब 160cc के हिसाब से एकदम कमाल का है। और इंजन वाइज भी RTR 160 से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें आपको 4-valve का इंजन मिलता है, वहीं 2V में आपको सिर्फ 2-valve का इंजन मिलता है। और यहाँ पे इसके इंजन में आपको लिक्विड कूलिंग भी देखने को मिल जाती है जो RTR 160 2V में नहीं है। तो और इसका इंजन जो है आप जानते ही हैं, वहाँ के इंजन कितने ज़्यादा रिफाइंड रहते हैं, आप पीक RPM भी एकदम हिट करते हैं, तो आपको बहुत ही 1-2% का वाइब्रेशन देखने को मिलता है। वहीं पे RTR 160 2V में आपको 6,000 RPM के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि अब जो है RTR 160 2V जो नई वाली मॉडल है, उसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, रेन, अर्बन और स्पोर्ट। तो यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 में आपको कोई भी ऐसे राइडिंग मोड्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है RTR 160 में। और RTR 160 में वही नॉर्मल आपको जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं डुअल सेटअप के, वो देखने को मिल जाते हैं। अगर MT-15 में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल भी हैं। अगर सीट्स देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों बाइक्स में ही RTR 160 और MT-15 में सिंगल सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। RTR 160 में पहले जो है वो 110 सेक्शंस का टायर मिलता था रेयर में, अब जो है उसको अपडेट करके जो है 120 सेक्शंस का कर दिया गया है। और वहीं यामाहा के MT-15 में आपको रेयर में 140 सेक्शंस का टायर मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रॉड है इसका टायर भी, रियर टायर। तो अगर आप कॉर्नरिंग करते हैं, लीन करते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो पहले अगर दोनों के हम लोग लुक्स देखते हैं, तो दोनों ही बाइक के लुक्स जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। लुक्स हालांकि सब्जेक्टिव है, अलग अलग पर्सन से वो वैरी कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करते हैं RTR 160 की, तो ये ज़्यादा एक रॉ पावर बाइक है। इसमें देखिए, आप जिस हिसाब से आप प्राइस पे करते हैं, उस हिसाब से आपको क्वालिटी मिलती है। तो यहाँ पे एक दोनों ही बाइक्स में आप देख सकते हैं कि प्राइस का एक मेजर डिफरेंस आपको 45 से 50,000 का जो है वो डिफरेंस देखने को मिल जाता है।
तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और आप एक 160 सीसी सेगमेंट की बाइक लेना चाहते हैं जिससे आप डेली कम्यूट भी कर सकें और कंफर्टेबल भी रहें, तो आप जा सकते हैं RTR 160 की तरफ। लेकिन अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं यामाहा की MT-15 की तरफ। एकदम प्रॉपर ये नेकेड स्पोर्ट मोटरसाइकिल है। और अगर अपाची RTR 160 की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा एक कम्यूटर सेगमेंट में भी आती है। आप कह सकते हैं 60% ये कम्यूटर, 40% थोड़ा ये स्पोर्ट्स बाइक के कैटेगरी में आती है। तो अगर गैस अगर आपको फैमिली लेके ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, PGN लेके ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, तो आप RTR 160 पे नो डाउट बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। वहीं पे MT-15 की सीट्स जो है वो राइडर के लिए तो ठीक है, लेकिन PGN के लिए वो जो सीट है वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आपको फेस करने को मिलेगी। लेकिन अगर इंजन वाइज देखते हैं तो MT-15 बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन मिलता है, लिक्विड कूल्ड मिल जाता है आपको, 4 वाल्व का इंजन। तो इंजन वाइज बहुत बेटर है यामाहा की MT-15 अपाची RTR 160 से। और गाइज अगर हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो USD फोक की वजह से MT-15 का हाई स्पीड स्टेबिलिटी और ज़्यादा बेटर हो जाता है RTR 160 के मुकाबले। अगर मैं दोनों बाइक्स की अगर टॉप स्पीड की बात करूं तो RTR 160 भी लगभग आपको जो है 130 किलोमीटर पर आर तक ये टॉप स्पीड चली जाती है। वहीं पे यामाहा के MT-15 भी 135 से लेके 140 किलोमीटर पर आर तक ये टॉप स्पीड जो है वो अचीव कर लेती है। दोनों ही बाइक्स अगर मैं सिटी में मनूवरिंग की बात करूँ तो दोनों ही बाइक से आप अच्छा मनूवर कर सकते हैं, लेकिन MT-15 में आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। राइडिंग पोस्चर की मैं बात करूँ, सिटिंग पोजिशन की, तो दोनों में ही आप अपराइट बैठते हैं। MT-15 में आप ज़्यादा अपराइट बैठते हैं, RTR में थोड़ा सा स्पोर्टी आपको पोस्चर देखने को मिल जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों ही बाइक्स जो हैं वो अपने जगह अपने प्राइस रेंज में हैं, वो एकदम जस्टिफाई करती हैं। ज़्यादा आप कम्यूटिंग करना चाहते हैं मैं फिर से कहूँगा कि, और डेली के लिए आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं PGN, ज़्यादा बैठा कर राइड करते हैं फैमिली लेके, तो श्योर आप जाइए अपाची RTR 160 की तरफ। वहीं आप ज़्यादा आपको कुछ भी करना है, जैसे आपको स्टंटिंग करनी है और या आपको स्पीडिंग करनी है, चाहे कुछ भी करना हो, क्रूजिंग करनी है, तो आप MT की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका कोई बजट इशू नहीं है तो आप जितना भी प्राइस पे करते हैं MT के लिए, वो एकदम आप जब उसे चलाएंगे तो आपको समझ आएगा एकदम पूरा पैसा वसूल है वो। यहाँ की टेक्नोलॉजी तो जानते ही, और यहाँ पे आपको MT-15 में स्लीपर क्लच का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो RTR 160 में नहीं मिलता है। और गैस ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ RTR का ग्राउंड क्लियरेंस MT-15 से ज़्यादा बेहतर। यहाँ पे आपको RTR में 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, वही यामाहा के MT-15 में आपको 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। हालांकि दिक्कत आपको किसी भी बाइक में नहीं होगी। तो गैस बस ये एक था एक कंपैरिजन वीडियो, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।